नैनीताल दुख संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। पीड़िता ने आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने पर जान देने की धमकी दी है। नैनीताल दुख संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप से सियासत गरमाई हुई है। इस बीच पीड़िता ने मुकेश बोरा पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष मुकेश बोरा ने उनका 2021 से लगातार शारीरिक शोषण किया। साथ ही उनकी अश्लील वीडियो बनाकर मुकेश बोरा और उनके ड्राइवर कमल बेलवाल ने उनको धमकाया भी, जिससे वो डरी सहमी रही। इसके बावजूद जब उसने पीड़िता की नाबालिग बेटी पर भी बुरी नीयत से छेड़छाड़ की, तब उसके सब्र का बांध टूट गया और पूरे मामले की रिपोर्ट उसने पुलिस में दर्ज करवाई। लेकिन अभी तक मुकेश बोरा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़िता ने कहा है कि अगर शीघ्र पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया और उसके ड्राइवर को नहीं पकड़ा तो वो लालकुआ कोतवाली में अपनी जान दे देगी। इसने मुझे नौकरी के बहाने से इसने मुझे फंसाया, मुझे टॉर्चर किया, मेरे साथ गलत काम किया, इसने मेरा शारीरिक शोषण किया, बलात्कार किया मेरा इसने। और उसके बाद क्या कहते हैं, आज ये इस तरीके से वो कर रहा है कि मतलब पुलिस को हमने सारे सबूत दे दिए, सब कुछ वो कर दिया, उसके बाद भी पुलिस क्यों अभी तक सोई हुई है, किस चीज़ का हो रहा है इसको इंतजार। उसके उसके फोन में मेरे असली वीडियो है, उसके असली फोटो है। वो कभी वो जिस चीज़ की धमकी मुझे हमेशा शुरू से देता था कि मेरे पास ये है, अगर तुमने कुछ करा किसी से कहा तो मैं इसको वायरल कर दूंगा, तो उसको पकड़ो पहले, आप उसको पकड़ो, सबसे पहले उसका फोन जब्त करो ताकि वो चीज़ें वो वहीं डिलीट हो जाए, आगे उससे आगे ना जाए, ताकि भविष्य में भी आगे को तो ना करे मुझे परेशान। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।